वर्धमान जी के पिताजी ने जिंदगी भर संघर्ष किया, जेलों से लेकर के सीबीआई से लेकर के क्या क्या उन्होंने कष्ट नहीं सहे, ये भी युद्ध और संघर्षों के बीच में अपने राजधर्म के पथ पर संघर्ष पूर्वक आगे बढ़ रहे हैं। और जो एक यहाँ के पूरे झारखंड के लोगों के कल्याणकारी योजनाओं को लेकर के आगे चल रहे हैं, मैं आश्वस्त हूँ कि लोगों का इनको जो प्यार मिल रहा है एक अच्छा कार्य है। आज आदरणीय हेमंत सोरेन जी से झारखंड में शिक्षा और स्वास्थ्य की सेवाओं को लेकर के पतंजलि के योगदान के संदर्भ में हमने संवाद किया, और जिनको सब श्रद्धा से गुरु जी कहते हैं, ऐसे आदरणीय श्री शिबू सोरेन जी से लेकर के लगभग 1.5-2 दशकों से सोरेन परिवार के साथ हमारा आत्मीय संबंध रहा है। आज उसी विश्वास के साथ कि यहाँ हम शिक्षा और स्वास्थ्य के क्षेत्र में यहाँ के वनवासी आदिवासियों से लेकर के पूरे झारखंड के लोगों के लिए जो भी कल्याणकारी कर सकते हैं कार्य, उनके संदर्भ में संवाद किया, और मैं आश्वस्त हूँ कि आने वाले समय में शिक्षा और स्वास्थ्य के क्षेत्र में पतंजलि कुछ बड़ी सेवाएं और बड़ा योगदान यहाँ के लिए दे पाए। सर, कोई वेंचर पे डिसीजन हुआ कुछ? कोई वेंचर ठोस प्रस्ताव? मैंने कहा ना, जैसे पतंजलि योगपीठ हरिद्वार में है, वहाँ योग है, आयुर्वेद है, स्वदेशी है, भारतीय शिक्षा और चिकित्सा व्यवस्था की प्रतिष्ठा है। हमने तो जिंदगी भर आर्थिक गुलामी, शिक्षा चिकित्सा की गुलामी, वैचारिक गुलामी और दरिद्रता से इस देश को बाहर निकालने का काम किया, तो उस तरह की उन सारी एक्टिविटीज़ को यहाँ झारखंड की धरातल पर क्रियान्वित करने के लिए हमने अपने संकल्प को दोहराया। तो आदरणीय मुख्यमंत्री जी पूरे प्रतिबद्ध हैं कि इस क्षेत्र में हम मिलकर के कुछ बड़ा काम अवश्य करें। एक इंस्टीट्यूशन ऑलरेडी चल रहा है, किस तरह से आप कॉलेज खोलेंगे, स्कूल खोलेंगे? स्कूल, कॉलेज और आगे यूनिवर्सिटी से लेकर के एक वैश्विक स्तर का पतंजलि वेलनेस सेंटर, जिसको हम कहें कि हेल्थ टूरिज्म, स्पिरिचुअल टूरिज्म, रिलीजियस टूरिज्म, और जो पूरी दुनिया में सभी बीमारियों से हार मान करके थक चुके हैं, लीवर, किडनी फेलियर, हार्ट फेलियर, ओबिसिटी, स्ट्रेस, एंजाइटी, डिप्रेशन, अलग अलग प्रकार की व्याधियों से जो त्रस्त लोग हैं, वो मेरे पास हरिद्वार जाते हैं रोज 10-10 हज़ार की संख्या में। तो कम से कम बिहार, झारखंड, असम, पश्चिम बंगाल, नॉर्थ ईस्ट और उड़ीसा, इधर के करीब 4-5 हज़ार रोगी हो जाते हैं, इनको हम यहाँ उपचार दे सकें, ऐसा एक मन में हमारे कल्पना थी, और मुझे लगता है जल्दी साकार होगी। बहुत बहुत धन्यवाद। अपने राज्य से जुड़ी हर ताजा खबरों के लिए आप हमें सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन बटन दबाना ना भूलें।